हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड चाचा। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 मल्टीटास्किंग मेकअप प्रोडक्ट, राइट गाइस, जो आपको वैनिटी में रखना ही चाहिए। वो तो आपको पैसा बचाएगा और साथ साथ वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है आपके मेकअप के लिए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के और देखते हैं कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या क्या प्रोडक्ट लाई हूँ जो कि है मल्टीटास्किंग। फर्स्ट प्रोडक्ट इज मेबेलिन मास्टर कंट्रोल पैलेट। सो ये कुछ इस तरह सा दिखता है गाइस, आप देख सकते हो। अब तो ये मल्टीटास्किंग आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, राइट गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमको रिसीव हो रहा है कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर। और सिर्फ इसे कॉन्टोर, ब्लश या हाइलाइटर के जैसे हम यूज नहीं कर सकते गाइस, इसे हम अपना आई मेकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो एक छोटा सा डेमो मैं आप लोगों को दिखला देती हूँ। तो आप देख सकते हो इसका इनर पैकेजिंग और मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ। सबसे पहले इसका प्राइस 999 रुपीज में है और ये 950 में आपको इजीली मिल जाता है। तो इस तरह का फ्लफी ब्रश मैं ले रही हूँ बड़ा सा, और अब मैं इससे हाइलाइटर यूज कर आपको दिखाती हूँ। हंसते हुए हाइलाइटर लगाओ, तब इस तरह से हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट स्मॉल ब्रश लूंगी मैं, नॉट ब्लश, इट्स ब्रश या राइट गाइस, और इससे मैं हाइलाइटर भी दिखा देती हूँ आपको यूज करके। इस तरह से ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, आईब्रो वाले एरिया, फोरहेड, जहां भी आपको हाईलाइट करना आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो, चिक बोन्स। तो ये हाइलाइटर का भी काम आ गया गाइस, राइट। और अब एक फ्लैट वाली ब्रश जो होती है उससे मैं कॉन्टोर करके दिखाऊंगी। तो आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से फेस, जो लाइन वगैरह आप अच्छे से कॉन्टोर कर सकते हो। और अगर आपको फोरहेड पीक है तो उसकी भी हाइट करने के लिए इस तरह से कॉन्टोर कर सकते हो। देन नोज, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्योंकि मेरा नोज फ्लैट है, या राइट गाइस। तो इस तरह से आप ये वाली पैलेट को यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर तीनों रिसीव हो रहा है गाइस, तो आप इससे आई मेकअप भी अच्छी वाली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो, राइट गाइस। तो ये कुछ इस तरह से आता है पैकेजिंग में, और पैकेजिंग खुलने के बाद तदा आपको नजर आता होगी कि सारा प्रोडक्ट टूट गया, यह राइट गाइस, मुझसे ये टूट चुका था। तो इसका इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। तो ये मल्टीटास्किंग पैलेट कैसे हुआ, तो यहाँ पर हमें बहुत सारा शेड्स मिल रहा है कंसीलर का, और ये वाली ऑरेंज शेड है जिसे हम लोग कलर करेक्टिंग में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ब्राउन शेड है गाइस, 1, 2 और 3, ये तीनों शेड से हम लोग इससे अपने फेस को ब्रॉन्जअप भी कर सकते हैं। तो हुआ ना ये मल्टीटास्किंग पैलेट, एक ही पैलेट में हमें तीन तरह का चीज मिल रहा है, जैसे कि हाइलाइटिंग कंसीलर मिल रहा है, कवरेज कंसीलर मिल रहा है, दो कंसीलर यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, देन कॉन्ट्रोल ऑप्शन मिल रहा है हमें, देन कलर करेक्टिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है या कहीं ज्यादा पिगमेंटेशन है तो ये ऑरेंज करेक्टिंग आप यूज कर सकते हो गाइस। और पिगमेंटेशन की बात करूंगा इस, तो आप देख सकते हो ये है मेरा ब्रॉन्जिंग वाला शेड, और ये ऑरेंज दिखा देती हूँ गाइस, बटरी स्मूथ फॉर्मूला पे बनाया गया। और एक हाइलाइटिंग कंसीलर दिखा देती हूँ गाइस मैं आपको, ताकि अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, सी गाइस। और ये बहुत ही अच्छा से ब्लेंड भी हो जाता है गाइस, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे गाइस, बट अगर आप लोकल मार्केट से लोगे गाइस तो ये आपको 200 से 300 रुपए में इजीली मिल जाएंगे, बट ऑनलाइन लोगे गाइस तो प्राइस थोड़ा हाई मिल जाएगा आपको। तो लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो गाइस। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फुल कवरेज फाउंडेशन, राइट गाइस। अब ये मल्टीटास्किंग कैसा हुआ आप हमसे पूछते होंगे, कैसा हुआ अब मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रांड बता देती हूँ, ये L'Oreal Infallible 24 Hours Foundation, और जो मेरा सेट है वो है 200 Golden Sand, और ये वाला है Maybelline का Super Stay 24 Hours Foundation, और ये भी फुल कवरेज है, और इसका शेड मेरा है 128। तो ये दोनों फाउंडेशन फुल कवरेज है गाइस, तो ये हमें फुल कवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्किन पे अभी ये L'Oreal का लगाया है गाइस। तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन का फायदा क्या है, चलो अब वो भी बता देती हूँ। फुल कवरेज फाउंडेशन अगर आप गाइस ले रहे हो तो आपका सबसे पहली बात पैसा इसमें बच जाएंगे कि ये फुल कवरेज है। तो अगर आपके फेस में जितने भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या छोटे
छोटे ब्लेमिशेस आ गए जिसे आप हाइड करते हैं कंसीलर के हेल्प से, तो कंसीलर को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप ये फुल कवरेज फाउंडेशन ले लोगे। तो मार्केट में बहुत सारा फुल कवरेज फाउंडेशन मिल जाता है गाइस इजीली, बट मैं ये दोनों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ये तो अभी 1 ईयर हुआ लॉन्च होने पर, बट ये मैं 2 साल से लगा रही हूँ गाइस, और ट्रस्ट मी गाइस मेरा अब तक का फेवरेट है गाइस, फर्स्ट लिस्ट में यही आता है लॉरियल का फाउंडेशन गाइस। तो फुल कवरेज अगर फाउंडेशन आप ले रहे हो गाइस तो आपका पैसा बच जाएगा कंसीलर वगैरह यूज करने में। डार्क सर्कल्स की आपको अगर प्रॉब्लम है तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन है गाइस, इसमें आप अप्लाई कर लोगे तो आपको डार्क सर्कल्स हाइड हो जाती। छोटी छोटी ब्लेमिशेस हो गई थी जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फोरहेड पे, यहाँ पर छोटी सी है बट आपको विजिबल नहीं होता होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने ये वाला फाउंडेशन को अप्लाई किया है गाइस और कंसीलर का जरूरत भी नहीं पड़ा। तो चलो अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लिक्विड लिपस्टिक। राइट गाइस, मेरे पास अभी बहुत सारा लिक्विड लिपस्टिक का ऑप्शन है, जैसे कि ये वाली आप लिक्विड लिपस्टिक ले सकते हो। ये लैक्मी 925 का लिप एंड चिक है गाइस, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता होगा ये लिप एंड चिक बोल रहा है गाइस, तो इसे हम लिप में भी लगा सकते हैं गाइस और चिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं एंड में दिखाऊंगी कि किस तरह हम लोग इसे चिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिप एंड चिक है गाइस, इसमें जैसे कि बताया गया कि लिप एंड चिक में लगा सकते हैं, तो इसे आप आई शेडोज के जैसा भी यूज कर सकते हो। तो ये वाली लिपस्टिक का मैंने फुल ट्यूटोरियल किया था गाइस कि इसे किस किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन ब्लिंक कर रहा है गाइस, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो या मैं साइड में वीडियो भी दे देती हूँ आपको, आप वो भी देख सकते हो एक लिपस्टिक का 3 तरह का कैसा यूज कर सकते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन या राइट। तो जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 शेड्स है गाइस, एक है ब्लश वेलवेट जो कि मेरा फेवरेट न्यूड ऑप्शन है गाइस, और एक है टैंगरी फ्लफ जो कि ऑरेंजी शेड्स है, और एक ऑप्शन है गाइस ये लॉरियल का लिप पेंट, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ ब्लश और एज अ लिपस्टिक। ये ऑरेंज कलर का ब्लश का काम बहुत ही अच्छा करता है गाइस। और नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास लैक्मी एब्सोल्यूट का लिक्विड लिपस्टिक, इसे आप एज अ ब्लश एज शेडो लिपस्टिक तरीका से लगा सकते हो। और सबसे अगर मोस्ट अच्छे वाले ऑप्शन पूछो गाइस आप न्यूड में, तो ये आप मिस क्लियर का ले सकते हो इंडी शेड 50, इसे आप एज अ ब्लश और एज अ लाइनर आई शेडोज लिपस्टिक सब तरीका से लगा सकते हो। तो जितनी भी लिक्विड लिपस्टिक है गाइस आप उसे यूज कर सकते हो एज अ ब्लश लिपस्टिक लाइनर आई शेडो। तो चलो आप सबका मैं आपको शेड्स दिखा देती हूँ। तो ये मिस क्लियर का शेड्स मैं दिखा रही हूँ पहले, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस। तो या लुक एट द शेड्स गाइस, कितना अच्छा नेचुरल शेड्स है गाइस ये। तो इसका शेड नंबर 50 है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस लैक्मी का एब्सोल्यूट, और इसका मैं शेड दिखा देती हूँ। ये थोड़ा डार्क शेड है गाइस, बट लुक एट द शेड गाइस कितना ब्यूटीफुल है। अगर आप डार्क शेड पसंद करें तो आप ये वाली शेड की तरफ जा सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस ये लॉरियल का, इसका भी शेड दिखा देती हूँ मैं जल्दी सा। वो कितना अच्छा प्यारा शेड है गाइस, देख सकते हो। और अगर आपको ऑरेंज लवर हो गाइस तो आप इसे एज अ ब्लश लिपस्टिक लगाओ, बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक क्रिएट करता है। और ये तो मेरा टॉप फेवरेट है गाइस, इसका ब्लश वेलवेट मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा प्यारा शेड है, मैं ट्यूशन पे बहुत बार ये लगा के गई और मुझसे पूछा भी जाता था कि मैं कौन सा शेड आज अप्लाई की। लुक एट द शेड गाइस, कितना ब्यूटीफुल न्यूड कलर है गाइस, पिंकिश न्यूड है। और सॉरी आपको बैकग्राउंड वाइज आता होगा, नॉक कर रहा है कोई गेट और कोई आया है मेरे घर पे, तो वीडियो के बाद देखती हूँ कौन आया। और ये एक शेड है ऑरेंजी शेड है गाइस ये, और इसका स्मेल इतना प्यारा स्मेल है गाइस, एक आइसक्रीम जैसा स्मेल है गाइस इसका। इसको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, लुक एट द शेड। सो गाइस ये था शेड्स, अगर आपको चाहिए ये लिपस्टिक परचेस करना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज मेबेलिन जेल लाइनर। या राइट गाइस, ये इतना अच्छा लाइनर है गाइस, आप ट्रस्ट करते हुए एक बार ले सकते हो। और इसमें हमें इस तरह सा लाइनर ब्रश भी फ्री मिलता है, तो आप देख सकते हो ये कॉर्नर में मैंने ब्लैक शेड्स का जो लाइनर ड्रॉ किया है गाइस, तो ये ही लाइनर से मैंने ड्रॉ किया। इसे कुछ भी लाइनर आप ड्रॉ करो, जैसा भी विंग चाओ, बोल्ड चाओ, थीन चाओ, बहुत ही इजिली अप्लाई होता है। तो ये इस तरह का पॉट में आता है और यहाँ हमें प्रोडक्ट रिसीव। ये मेरा न्यू परचेस है इसलिए थोड़ा सा यूज है गाइस, तो जेल है तो इसलिए मैं बंद कर दे रही हूँ वरना ये सूख जाएगा। और ये इसका ब्रश भी काफी अच्छा है। तो जेल लाइनर को हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं? जेल लाइनर को आप एज अ लाइनर यूज कर सकते हो गाइस, एज अ कोल यूज कर सकते हो, एंड
एज अ स्मोकी आईज के लिए ब्लैक बेस भी बना सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ब्रश में लेके आपको इसका एप्लीकेटर दिखाना चाहूंगी और इसका स्वेचेस भी दिखा देती हूँ। बस थोड़ा सा लेना है गाइज आपको, एंड यहाँ दिखा देती हूँ मैं। सी गाइज, थोड़ा सा लिया है मैंने, बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है गाइस। स्मोकी आइस के लिए ये वाली बहुत ही अच्छी ऑप्शन है गाइस, इससे आप ब्लैक बेस बना सकते हो इजीली। तो गाइस यही था मेरा टॉप 5 मल्टीटास्किंग पैलेट। अगर आप लेना चाहते हो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा चैनल पे, उसका रीजन था गाइस कि मेरे जो आप देख सकते हो एयर्स पे मैंने कुछ नहीं पहना, तो ये जो मेरी छेद है गाइस इस पे, तो इसमें थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम चल रहे थे गाइस, तो इसलिए मैं वेयर नहीं कर पाई थी कोई भी इयररिंग, तो इसलिए वीडियो 2 दिन से नहीं आ रहा था मेरे चैनल पे। बट अभी थोड़ा सा सुधार हो चुका है गाइस, तो इनफैक्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मैं पहन कर वीडियो बनाऊंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर उनके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन चल रहा है कि ये मैंने नेल एक्सटेंशन कराया, जितने भी मैं नेल आर्ट का वीडियोस या पिक डालती हूँ इंस्टा में, सो नो गाइज ये नेल एक्सटेंशन नहीं कराया है मैंने, ये मेरा नेचुरल नेल है गाइज, सिर्फ मैंने नेल आर्ट किया है वो भी मैंने घर पर किया है, इसलिए आप देख सकते हो उतना खास नहीं हुआ है एज अ प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट गाइज। मैं नेल आर्टिस्ट नहीं हूँ तो उतना क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे जस्ट कर रहे हो कि मैंने नेल एक्सटेंशन कराया, तो मैंने नेल एक्सटेंशन नहीं कराया गाइस, ये मेरा नेचुरल ही नेल है गाइस और मैंने खुद से नेल आर्ट किया सारा। तो क्लियर हो गया आपका जितना भी कंफ्यूजन था दिमाग में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत सारा वीडियोस आने वाली मेरे चैनल पे, तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।